दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे सैमसंग की एक और नई फोन के बारे में जो कि एफ सीरीज में लॉन्च होने वाला है और जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F73 जो कि बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और इसका कुछ लीक और रूमर निकल के आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे इसी सैमसंग गैलेक्सी F73 के बारे में, कैसा होगा ये फोन, इस फोन की फीचर कैसी होगी, इस फोन का प्राइस कितना रहने वाला है और ये फोन कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन ब्लू सुगरने से पहले आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल पर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों बैक में आपको ग्लास का बैक मिलेगा जो कि ग्लॉसिव ग्रेडियंट फिनिश के साथ आने वाला है। इसके साथ आपको मेटल की फ्रेम देखने को मिल जाएगी जो कि एक काफ़ी अच्छा बात है। और इसके साथ आपको बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा, एलईडी फ्लैश और नीचे में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्ले में आपको 6.7 इंचज की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आने वाला है जो कि आपको डिस्प्ले वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन रहेगा। और इस फोन में आपको 144 GHz के रिफ्रेश रेट के साथ ये फ़ोन आने वाला है, यानी कि गेमिंग में भी आपको काफ़ी ये अच्छा फ़ोन चलने वाला है और डे टू डे लाइफ में आप वीडियो कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस फोन में आपको सेंटर पंचोल डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और इसके साथ आपको नीचे की तरफ देख बताए तो नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक ग्रिल देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ नीचे ही में आपको सिम ट्रे टूल भी देखने को मिल जाएगी जो कि डुअल नैनो सिम के साथ ये फ़ोन आने वाला है। और इसी के साथ आपको राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन और इसके साथ आपको पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाएगी इस फोन में। और ऊपर की तरफ आपको एक सेकेंडरी माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नॉइज कैंसिलेशन। और इसके साथ इस फोन की अगर प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं तो प्रोसेसर में आपको दोस्तों इस फोन में आपको एग्जीनोस का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी जो कि है एग्जीनोस 2200। यानी जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको एग्जीनोस 2200 देखने को मिल जाएगी जो कि एक 4 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर बना हुआ है और फ्लेक्सिव लेवल के प्रोसेसर जैसा ही ये प्रोसेसर है, यानी कि फ्लेक्सिव लेवल का प्रोसेसर इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपको सैमसंग एस सीरीज में यूज करता है, वही प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस फोन की अगर कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं तो बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा के सेटअप के साथ ये फ़ोन आता है जिसका कि मेन लेंस होगा आपको 108 मेगापिक्सल का और इसी के साथ आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग लेंस देखने को मिल जाएगी। इसके साथ आप सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं तो सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा इस फोन में। इसी के साथ इस फोन की अगर बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों एफ सीरीज का फोन है तो बड़ी बैटरी इस फोन में आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो दोस्तों इस फोन में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी आपको सैमसंग इस फोन में देता है और ये फोन आपको 25 W का चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बॉक्स में चार्जर देखने को नहीं मिलेगा जो कि एक डिसएडवांटेज ये ऑप्शन है। और इसी के साथ इस फोन की अगर रैम बेट के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन में आपको LPDDR5X का रैम देखने को मिल जाएगी और UFS 3.1 का आपको स्टोरेज भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों रैम बेट में आपको 6GB, 8GB और 12GB यानी कि 3 वेरियंट के साथ ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा और स्टोरेज में आपको 128GB, 256GB के स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आ सकता है। और इसी के साथ इस फ़ोन की अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फ़ोन एंड्रॉयड 13 और One UI 5.1 के इंटरफेस के साथ ये फ़ोन आएगा जो कि इस फ़ोन में आपको 3 साल का अपडेट भी देखने को मिल सकता है सैमसंग की तरफ से। इसी के साथ इस फ़ोन की अगर प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो प्राइस में आपको दोस्तों ये फ़ोन 30,000 के ऊपर ही, यानी कि 35-30,000 के आसपास इस फ़ोन का स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है। तो दोस्तों आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप हमें कमेंट बता सकते हैं। अगर ये फ़ोन रहता है 30-35,000 के आसपास तो ये काफ़ी बढ़िया डील रहेगी सैमसंग की तरफ से। और इस फ़ोन में आपको डिस्प्ले वाइज, प्रोसेसर वाइज और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है। कैमरा में भी आपको पीछे में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और आगे की तरफ भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया पैकेज रहेगा सैमसंग F73 का। तो दोस्तों आपको ये फ़ोन के बारे में क्या है कहना आप मुझे कमेंट बताइए। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोग के लिए सबसे पहले लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।